ओके, सो समवन वाज आस्किंग अबाउट द पायरोलिसिस। तो इंसिनरेशन क्या था? अच्छा, पहले सबसे पहले ये याद रखना है कि ये जो तीनों प्रोसेस है, लैंडफिल्स, पायरोलिसिस एंड इंसिनरेशन, ये मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है ना, तीनों ही वेस्ट को डिस्पोज करने के मेथड है। ठीक है सभी, ये याद रखना। आपने पूछा था शायद ये क्वेश्चन, यस मैम। है ना। इंसिनरेशन हमें पता था, इंसिनरेशन क्या था कि जब हम सॉलिड वेस्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज कर रहे थे, ठीक है। इन और लैंडफिल क्या होता, हम लैंड को वहां से रिमूव करके उसके अंदर डिकम्पोज कर देंगे अपना गार्बेज और उसे वापस से इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लैंडफिल। पायरोसिस में क्या होता है, पायलो पायरो वर्ड जो होता है, पायरो मीन्स होता है हीट, ओके। और लिसिस का मतलब तो पता ही है ना, जैसे यस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, मैम। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और ब्रेकिंग लिसिस मीन सेपरेट करना, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन। डाउन, एक्सेलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हम क्या करते थे, एनोड और कैथोड पर डिफरेंट अपने डिफरेंट मटेरियल्स को सेपरेट करते थे, ठीक। यस सिमिलरली पायरोलिसिस में क्या होता है, पायरो मीन्स होता है हीट और लिसिस मीन्स होता है सेपरेट करना। तो यानी कि वो मटेरियल या वो वेस्ट जो हमारा ज्यादा टाइम लेता है सेपरेट होने में, खत्म होने में, डिकम्पोज होने में, टूटने में, ब्रेक डाउन होने में, उसे हम पायरोलिसिस के थ्रू करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े आपके अपैरेटस वगैरह टाइप के होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है जिसमें डालकर बहुत एक्सेसिव हीट के थ्रू, बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है, तब जाकर वो खत्म होता है। ये प्रोसेस आपका पायरोलिसिस कहलाता है, ठीक। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू ओके, मैम। यू आर वेलकम। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद, फोटोसिंथेसिस। है ना, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हमारी फूड चेन सबसे पहले किससे स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर्स से। और प्रोड्यूसर्स हमारे कौन है, प्लांट्स हैं। और प्लांट्स को अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कौन से प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, प्रोड्यूसर। डिकम्पोजर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, यस। डिकम्पोजर्स नहीं है, डिकम्पोजर खत्म करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेचर्स क्लीनर्स। बहुत बेसिक है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर्स, है ना। अब ये हमारे डिकम्पोजर्स। एनवायरमेंटल, क्लीनर्स भी कहलाते हैं, याद रखना। अगर नेचर्स क्लीनर ना लिखा हो, एनवायरमेंटल क्लीनर लिखा हो, देन यू हैव टू मार्क द सेम ऑप्शन, डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ फूड चेन जनरली मैक्सिमम नंबर आर दोज, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स में, मैक्सिमम नंबर के प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, चीप एंड एनवायरमेंटल क्लीन फ्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग इज, एलपीजी एलपीजी। अब एक बात याद रखो, ये एलपीजी यहाँ पर चीप एंड एनवायरमेंटल फ्लूड क्यों, क्लीन फ्यूल क्यों कहा जा रहा है, अगर आप लोगों ने सोर्सेज ऑफ एनर्जी अच्छे से सेम पढ़ा, उसमें बताया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल फ्यूल बताया था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल फ्यूल वो होता है जो इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो, चीप एंड इजी टू हैंडल हो, और लेस पॉल्यूटेड हो, यानी वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना कर रहा हो, पॉइजनस गैसेस, हार्मफुल गैसेस ना लिबरेट करे आफ्टर बर्निंग। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दे बोथ लिबरेट पॉइजनस गैसेस एट देयर बर्निंग पॉइंट, राइट। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को यस हम इसीलिए अपनी डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज कर लेते हैं क्योंकि ये लेस हार्मफुल होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, बोथ बोथ एंड बी बोथ ए एंड बी, यानी एनर्जी इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस किसमें है, कि एनर्जी भी फ्लो करती रहे और मटेरियल भी रिसाइकिल होता रहे ताकि सब उसे यूज करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर सी, तो ऑप्शन सी, यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन देयर इज अ, क्लियर है, जो आप लोगों ने वही बताया था, फ्लो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो, वेरी गुड, की थी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ये आप लोगों ने खुद ही बताया था पहले प्रीवियस क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज राइट अपराइट, ठीक है। सुपर। ये
याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे मार्क कर दिया है मैंने कि पॉन्ड का इकोसिस्टम अपना है, ओशन का अपना है, पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो एनर्जी पिरामिड होता है वो अप राइट होता है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ठीक, और यूनिडायरेक्शनल है तो हमें पता ही है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई वन क्लोरीन फ्रेगमेंट बिफोर अदर केमिकल प्रोसेस रिमूव द क्लोरीन फ्रॉम द एटमोसफेयर? ये 100,000 में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ? निकास। ये 100,000 क्यों लिखा हुआ है, ये क्या कह मैम रहा है समझ क्वेश्चन? में नहीं आया। हाँ क्वेश्चन को यस मैम समझ समझो, में। क्वेश्चन को समझो। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स खत्म हो सकते हैं बाय वन क्लोरीन फ्रेगमेंट? एक क्लोरीन फ्रेगमेंट को ब्रेक करने पर उसके कितने मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो सकते हैं बिफोर अदर केमिकल प्रोसेस, उससे पहले कि दूसरा प्रोसेस क्लोरीन को रिमूव करने, क्लोरीन को खत्म करने के लिए शुरू किया जाए, उससे पहले एटमॉस्फेयर में जो क्लोरीन प्रेजेंट है उसको खत्म करने के लिए करेंगे जब हम, तो कितने मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे? सबसे पहले याद रखना है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल जो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में पहले से ही प्रेजेंट है, वो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, आगे बढ़ेगा फिर कम, फिर आगे बढ़ेगा फिर कम, राइट? ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते एनर्जी यस ट्रांसफर मैम। होती जाती है, कम होती चली जाती है, ओनली 10% ट्रांसफर होती है, बाकी यस सारी मैम। जो हो जाती है वेस्ट हो जाती है, ये चीज याद रखना, ठीक। ऑप्शन में ये 100,000 इसलिए दे रखा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब क्लोरीन प्रेजेंट होता है तो वो 100,000 क्लोरीन फ्रेगमेंट को ब्रेक करना पड़ता है, तब आगे जाके वो एटमॉस्फेयर में इससे कम हो जाएगा, फिर आगे जाके 100 हो जाएगा, फिर लास्ट में जो मिलेगा वो 10 मिलेगा, ठीक। एक यस मैम थैंक यू मैम। ओके ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस मैम थैंक यू मैम। ओके यो वेलकम। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25। इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर शोन इन अ पिरामिड, ठीक है, शो कर दिया। एट विच ट्रॉफिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल? T4 T1 सबसे T5 ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है, राइट? ठीक है, आप पढ़ T1 लेते हैं। द डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मटेरियल ऑप्शन बी। ऑर्गेनिक को वो इनऑर्गेनिक में तोड़ देते हैं, ठीक है, बिल्कुल खत्म करने का काम करते हैं। हमारे देखा भी होगा, हमारे गार्बेजेस के पास जो है हमारी बहुत सारी पानी लिक्विड्स और फ्लोट करता हुआ दिखता है और स्मेल बहुत ज्यादा आती है, क्यों आती है वो स्मेल? अरे रेट गैस लिबरेट होती है भाई, भी कम हाँ करते गैस लिबरेट होती है और वो लिक्विड जो निकलता है वो डिकम्पोजर्स उसे डिकम्पोज करते हैं, तो उसकी वजह से वो लिक्विड सिक्रीट कर देता है, लिक्विड को निकाल देता है। व्हाट डज हैं द मैम उसे गिवन मोस्टली फ्लो, कौन हाँ मोस्टली जब डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं तो मोस्टली कौन से गैस निकलते हैं? मोस्टली डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं तो कौन सी गैस निकल, स्मेलिंग कौन सी गैस होती है जो ओडर और मतलब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड मैम। डाइऑक्साइड ज्यादा हाइड्रोजन स्मेली नहीं होती सल्फाइड सबसे, कौन सी? मैम मीथेन 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 सबसे ज्यादा स्मेलिंग गैस मीथेन मीथेन होती है, जो आपके काउडंग में भी देखी सुनी स्मेल की जाती है, राइट? यस मैम। सबसे ज्यादा फाउल स्मेलिंग जो होती है वो मीथेन होती है, आपकी जो गैसेस जो हम अपने घर में यूज करते हैं उसमें भी स्मेल आती है, वो मीथेन होती है? यस मैम। नहीं, नहीं प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन होती है, होती है ब्यूटेन ब्यूटेन प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। यस। ब्यूटेन और ब्यूटेन क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाए,
व्हाट डज द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? अब देखो जो मैंने क्वेश्चन आपको पीछे बताया वाला, क्लोरीन वाला बताया था, सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से, वहां पर आपको ऐसे चेन फॉर्म में नहीं था, उसमें क्वेश्चन थ्योरी दे दी थी पूरी। प्रोड्यूसर्स 200 यूनिट्स, हर्बीवोर्स 2 यूनिट्स, कार्निवोर्स 0.2 यूनिट्स। सबसे ज्यादा एनवायरमेंट में जो आपको मिलेगा, अगर एनवायरमेंट में बात की जाए कि हाँ ये आपका एलिमेंट एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, ये गैस आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, ये कितना ज्यादा यूनिट्स रखेगी ब्रेक करने के लिए, अपने आप को ब्रेक करेंगे तो कितनी यूनिट्स में ब्रेक होगी, एनवायरमेंट जहां पर हो उसे अंडरलाइन करना पहले क्वेश्चन में, और सबसे पहले सबसे ज्यादा अमाउंट उसे मार्क कर देना। मैम सेकेंड पे 20 यूनिट्स होगा, फिर थर्ड पे 2 यूनिट्स होगा, क्या हुआ 200 यूनिट्स का 10% 20 यूनिट्स होगा। प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, लिंडमैन्स लॉ, बायोमैग्निफिकेशन, बोथ ए एंड बी। लिंडमैन्स लॉ क्या है? 10% लॉ मैम, 10% लॉ ट्रॉफिक लॉ। ऑप्शन डी क्या? जबीउल्लाह आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। 200 का 10% 20 यूनिट्स होगा, 2 यूनिट्स दिया है, 200 का 10%। 20 यूनिट्स होगा, और फिर अच्छा 20 यूनिट्स का यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 टू यूनिट दे रखा है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन में ये है यूनिट्स। मिस्टेक, कोई बात नहीं, यू नो द आंसर राइट, यहाँ 20 यस होगा, आपको परसेंटेज आती है कैलकुलेट करना मैथमेटिक्स में, 220 यूनिट्स हो जाएगा, देन 2 यूनिट्स हो जाएगा, 0.2 यूनिट्स, लेकिन पहले 2 आएगा देन 0.2 आएगा, राइट? हो सकता है इन्होंने क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग दे रखा हो, मे बी द मिस्टेक वुडंट बी देयर इन द क्वेश्चन, है ना, हो सकता है ये क्वेश्चन उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लेवल्स इन्होंने अलग अलग कर दिए, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बताया ना इन्होंने, डायरेक्ट प्रोड्यूसर हर्बीवोर कार्निवोर कर दिया, तो हो सकता है इन्होंने क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग दिया, इट मे हैपन। ओके जबीउल्लाह, यस मैम, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होने की वजह से सॉइल इरोड हो जाती है ना, सॉइल इरोजन, हाँ सॉइल इरोजन ज्यादा होता है, सॉइल इरोड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट्स डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर, पेप्टिक अल्सर्स। स्किन पेट की बीमारी तो होगी नहीं, कैंसर, ये तो साफ बात है, पेट की बीमारी, पेप्टिक अल्सर्स, इम्यून पेप्टिक अल्सर्स, एक बार मुझे जरा बताएं पेप्टिक अल्सर किस बैक्टीरिया से हो रहा था? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वेरी गुड। तो ये क्या कह रहे हैं कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है? नहीं, पेप्टिक अल्सर नहीं होगा। सेकंड क्या है? डैमेज टू लंग्स, भाई एयर पोल्यूशन थोड़ी हो रहा है, एयर पोल्यूशन ज्यादा डैमेज करेगा लंग्स को, है ना, यूवी रेज जो हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट करती है आउटर सरफेस पर, क्या होगा डैमेज टू इम्यून सिस्टम, क्यों कह रहे हैं डैमेज, इम्यून सिस्टम भी तो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को वो करता है हैंडल, अब कोई बता सकता है इम्यून सिस्टम क्यों कहा जा रहा है? बैक्टीरिया आयशा आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। से हाँ जबीउल्लाह कैन यू प्लीज रिपीट, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम कर देता है। इम्यून सिस्टम, हम मैंने बताया था इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस का काम करता है, यस मैम, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम कर देता है। एग्जैक्टली कुछ भी होगा इम्यून सिस्टम तो इन्वॉल्व रहेगा, जो भी बॉडी पर इम्पैक्ट होगा इम्यून सिस्टम जरूर रिएक्ट करेगा, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्ट करेगा इम्यून सिस्टम, हेल्प करेगा बॉडी को रिकवर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोटेक्शन का काम हमारा इम्यून सिस्टम करेगा तो वो तो डैमेज होगा। नेक्स्ट क्या है जो मेन आंसर होता ही होता है यूवी रेज का? स्किन कैंसर, ठीक है, हाँ तो ये हो गया ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड्स, मोर एनर्जी, है ना, छोटी मोर भूख एनर्जी, लगेगी, मोर एनर्जी, यस हाँ, यस मैम, अगर तीन लोगों, अगर तीन लोगों में ही फूड चेन चल रही है कि हाँ ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है, उसको जितनी एनर्जी मिली थोड़ी सी उसको मिल गई, थोड़ी सी उसको मिल गई, खत्म बात। अब कोई आगे और बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, जितनी लंबी फूड चेन होगी उतनी कम एनर्जी मिले पाएगी, द लॉन्गर द फूड चेन द लेसर विल बी द एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, एनर्जी, है ना, बोथ, ये कर चुके हैं क्वेश्चन बोथ ए एंड सी, तो बी।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, चीप एंड एनवायरमेंटल क्लीन फ्यूल, ये भी कर चुके हैं. ओके द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड. हाँ क्वेश्चन नंबर 34, इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज 5 किलो जूल, व्हाट विल बी द एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल. ऊपर वाले के पास 5 किलो जूल, नीचे वाले के पास सबसे ज्यादा होती है, मैंने बताया था ना 5000. Yes, exactly. मैंने बताया था एनवायरनमेंट में जो भी प्रेजेंट है उसके पास सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी 5000 किलो जूल. हाँ हाँ ग्रास ग्रास. ओके आयशा ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप द लेक्चर एंड द क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू ऑल. मुझे इतना बता देना प्लीज कि क्वेश्चंस क्लियर थे या नहीं तुम लोग को. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी भी कोई चीज नहीं समझ में आई हो, मुझसे पूछ लेना. और एडिफिक फैक्टर्स मैं अभी फौरन हाथ के हाथ सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, बहुत बेसिक सेंड करूंगी तुम लोगों को, उसे कुछ भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फौरन देख के समझ आ जाएगा क्या होते हैं एडिफिक फैक्टर्स. ठीक, एक लाइन या दो लाइन भी डेफ. हाँ क्या हुआ जबीउल्ला, लाइव प्रोसेस करा दिया का? नहीं नहीं, मैं वही अभी सर ने आपको जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग देन आई विल आंसर ऑल योर. आई थिंक आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू ऑल. एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, देन वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन.